एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूलों और शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने पर सख्त होते हुए स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। और इसी माह साक्षरता मिशन के तहत प्रदेश में स्कूल चलो अभियान भी जोर जोर से चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में ये सब बेअसर दिखाई दे रहा है, जहां पर बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूल पर ही कब्जा कर अपना ताला डाल रखा है और स्कूल की क्लास में अवैध सामानों को रखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, अब सरकारी स्कूल पर ही माफियाओं का कब्जा है तो फिर बच्चे आखिर पढ़ने कहाँ जाएंगे? इतना ही नहीं, बालू माफियाओं ने यहाँ पर नदी की धारा को प्रभावित करते हुए नदी के बीचों बीच एक पुल भी बना रखा है, जिससे वह रात दिन अवैध खनन कर ओवरलोड वाहनों की निकासी करते हैं और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए योगी सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। जनपद का शासन और प्रशासन बिल्कुल मौन है। इसके पीछे क्या वजह है कि शासन प्रशासन मौन है, समझ से परे है? या तो उनकी भी इसमें मिलीभगत है या फिर बालू माफिया इतने ताकतवर है कि शासन प्रशासन भी उनके आगे बौना साबित हो रहा है। पूरा मामला है हमीरपुर जनपद के थाना चिकासी के जिगनी गांव का, जहां इस समय बालू माफियाओं का बोलबाला है। सूत्रों से हमें खबर मिली है कि जिगनी गांव के पूर्व माध्यमिक सरकारी स्कूल में बालू माफियाओं ने कब्जा कर अपना ताला डाल रखा है, जिस पर हम मौके पर जिगनी गांव पहुंचे और जब स्कूल जाकर देखा तो पता चला कि एक खबर एकदम सही थी और मौके पर एक शख्स उनको स्कूल में ताला डालता हुआ मिल गया। जब उस शख्स के सामने कैमरा लगाकर उसका परिचय पूछा गया तो वह कुछ जवाब नहीं दे पाया और स्कूल के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और हमने दरवाजा खोला तो वह अंदर से पॉलीथीन में कुछ लेकर बाहर निकला।